जिथे सारा संसार दिन रात मर मर के इस बीमारी की काट लभण नूं जुटिया होया है, उत्थे ही चीनिया ने इस बीमारी के उत्ते इन्नी जल्दी अपना कंट्रोल किवें कर लिया, इस गल तो सारी दुनिया हैरान ते परेशान हुई है। ज़्यादातर बंदे यही सोच रहे हैं कि चीन के कोल इस बीमारी की कोई दवाई है जिस नाल उसने ये बीमारी अपने देश दे विचों खत्म कर दिती, पर चीन ये दवाई दुनिया के सामने लियाना नहीं चाहता। ता तुहानू अज दस दईए कि अजिही ही दवाई चीन के कोल मौजूद है, पर चीन तो यह दवाई दुनिया भर के डॉक्टरों नू वरतन की सलाह भी दे रहा है, पर दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन्हां दी दसी गई ये दवाई वरतना नहीं चाहता। कारण की है ते क्यों हर कोई डॉक्टर इस दवाई का विरोध कर रहा है, अज तुहाडे सामने दस दिंदे हां। सानू पता भी नहीं होवेगा कि जो आप रोजाना वरतन वाली चीज़ा खरीदते हाँ उन्हां विच किन्ने जानवरां दीआं चीकां लुकियां होणगीआं। चीन हर वार किसी ना किसी गल करके दुनिया भर दीआं सुरखियां दे विच छाया रहिंदा है। जिथे सारी दुनिया इस बीमारी तो परेशान है, उत्थे ही चीन की एक सलाह ने एक बार फिर सारी दुनिया नू हिला के रख दिता। हाल ही विच चीन ने दुनिया भर के डॉक्टरों नू एक अजिही दवाई यूज़ करन दी सलाह दित्ती जो कि जंगली जानवरों के अंगों तो बनाई जाती है। चीन ने दुनिया भर के डॉक्टरों नू सलाह दित्ती है कि क्यों ना इस बीमारी नू ठीक करन वास्ते वीयर वाइल का इस्तेमाल किया जाए। चीनिया ने कहा है कि आपां भी इस बीमारी नू ठीक करन वास्ते इस वीयर वाइल का इस्तेमाल किया सी अते ओ इस्तेमाल सफल भी साबित होया। हुण आपां सारे सोचते होवांगे कि यह वीयर वाइल की शै हुंदी है, तां तुहानू यह पता होना चाहिए है कि भालू का जो लीवर हुंदा है उसके पित्त दे विच एक तरल पदार्थ पैदा हुंदा है जिसनू वाइल कहा जाता है। चीन इस तरल पदार्थ का दवाई बनाने दे विच प्रयोग करन दी सलाह सारी दुनिया नू दे रहा है। चीन वालों सुझाई गई दवाई दे विच जंगली भालू दे पित्ते दे विच पाया जाने वाला तरल पदार्थ वाइल बकरी दे सिंग अते इस दे नाल नाल तीन तरह के पौधे भी मौजूद हैं जिन्हां दे नाल मिल के एक दवाई तैयार हुंदी है अते उही दवाई चीन सारी दुनिया नू वरतन वास्ते कह रहा है। चीन ने दस्या है कि यह दवाई उन्हां दी ट्रेडिशनल पुरानी दवाई है अते इस फैली हुई बीमारी दे इलाज दे विच यह दवाई उन्हां दे देश दे विच काफ़ी मददगार साबित भी रही है। चीन दे इस सुझाव तो बाद अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते जीव जंतुओं दे लई काम करन वालिआं ने इसका जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिता। उन्हां ने चीन दे इस सुझाव नूं बड़ा ही दुखदाई ते शर्मनाक करार दिता है। जदों इह खबर नैशनल जियोग्राफिक ते चली तां सारी दुनिया दे कन्न खड़े हो गए। जीव जंतुओं दे एक्सपर्ट ने कहा कि अच्छा हुण तुसीं भालू मारोगे, असीं तां इह सोच रहे सी कि जो तुहाडे मीट मार्केटां हन उन्हां नूं तुसीं बंद कर देवोगे, जो चमगिद्दड़ सप्प जां कोई भी जंगली जीव की हत्या हुंदी है उन्हां नूं मार के खाण ते रोक लगावोगे। पर हुण चीन तां इह कहण लग पिया कि इह जंगली जानवरां दे नाल इह बीमारी ठीक होवेगी। तां तुहानूं दस दईए कि चीन दे विच कई तरह की दवाइयां बनाईयां जांदियां हन जिन्हां दे विच जंगली जानवरां दा प्रयोग भी कीता जांदा है। तां तुहानूं जाण के बड़ी ही हैरानी होवेगी कि चीन की पुरानी डॉक्टरी दे विच वरती जाण वाली गधे की चमड़ी करके चीन दे विच गधियां की गिणती घाटे दे विच आ चुकी है। खोजा दे अनुसार गधे की चमड़ी तो जैलेटिन नाम का पदार्थ बनाया जाता है जो कि कई तरह के इलाजों ते दवाइयों दे विच वरतिया जाता है। इजियाओ कहण वाले इस पदार्थ नू सिर दर्द तो लैके नींद ना आउण तक दीआं बीमारियों दे विच वरतिया जाता है। हुण इस समय दे विच ये जैलेटिन बनाउण वास्ते 50 लाख गधियां दी लोड़ है अते आउण वाले अगले 5 सालां दे विच इस नू बनाउण दे लई दुनिया दे अद्धे गधे खत्म कर दित्ते जाणगे। हुण जिथे इस बीमारी दा कहर वध रहा है, मौतां दी गिणती USA इटली दे विच वधदी जा रही है, उत्थे ही चीन ने यह सुझाव दिता है कि साडे कोल कुछ अजिहियां दवाइयां हन जिन्हां दे नाल बीमारी ठीक कीती जा सकती है ते साडे देश दे विच इस दे नाल इह बीमारी ठीक भी होई है। जो चीन ने दवाइया सुझा दित्तियां सी जिस नूं उस दे विचों एक दवाई है टैनरीक्विन। हुण इह दवाई टैनरीक्विन बड़ी ही अजीब जिही दवाई है अते चीन दे हिसाब दे नाल इह उहनां दी ट्रेडिशनल दवाई है जिस विच भालू दे पित्ते दा तरल पदार्थ वाइल वरतिया जांदा है। दोस्तों तुहानूं दस दईए कि साडे शरीर दे विच भी पित्ते दे कोल वाइल पैदा हुंदा है जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ हुंदी है। जदों आपां कोई भारी चीज़ खा लैंदे हाँ जिवें पनीर, उस नूं पचाउण वास्ते इस वाइल दा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस दे नाल ही चीज़ां पचाईयां जांदियां हन। इसी तरह ही भालू दे विच भी सेम ही हुंदा है। जदों भालू कोई भी भारी चीज़ खा लैंदा है तां उस नूं भी इह पचाउण वास्ते वाइल दी लोड़ पैंदी है। सो इसी चीज़ की दवाई चीनी लोग बनाते हैं तो इस बीमारी के इलाज के वरतन के लिए कह रहे हैं।
मॉडर्न चाइनीज़ डॉक्टरों ने दसिया है कि भालू का पिता बहुत ही ज़्यादा कम का है। उन्होंने इस दे पित्ते दे विच बड़ी ही अहम चीज़ मिली है जिस दे नाल ए बीमारी खत्म की जा सकती है, जिसनों यूरोसोडियोल कहा जाता है। उन्हों का मनना है कि यह यूरोसोडियोल बहुत ही जरूरी है इस बीमारी के इलाज करने वास्ते, जेकर इस बीमारी तो बचना है तो यह चीज़ तुहानू जरूर बरतनी पवेगी। इस तरह चीन ने सारी दुनिया के डॉक्टरों को सलाह दी है। कई तरह दी चीज़ों के विच जानवरों के अंगों का प्रयोग किया जाता है तो उन्होंने नजायज़ ही मारिया जा रहा है। सिर्फ खोजा के खातर नित ही जानवरों की बलि चाढ़ी जाती है। कि यह सब कुछ जरूरी है? एक जीव की हत्या करके जीवन लभना किन्ना कु भलाई का काम है? हुण तुसीं दसो कि जीव मार के कोई भी जीवन लवे वह कित्थे तक जायज़ है? दुनिया भर के इस गल का विरोध हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि मरना मंजूर है पर भालू नहीं मारांगे। वैसे भी परमात्मा की कृपा रही तो जल्द ही कोई ना कोई देश इसकी जरूर दवाई लिया के सामने आएगा तो सारी दुनिया बच जाएगी।